आप सभी का स्वागत है। देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर कोई कर रहा है अपनी अपनी तरह से योगदान। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बन रहे हैं इस मुहिम का हिस्सा। स्वच्छता समाचार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। बिना शौचालय के घर का वजूद नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय का होना अनिवार्य। ये धरती हमारी है, कितना अच्छा होता अगर हम भी एक धरती के लिए होते। और इरफान पठान का स्वच्छता मंत्र। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय 2019 तक 2 करोड़ घर बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हर घर शौचालय युक्त होगा, यानी बिना शौचालय घर का वजूद संभव नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य साफ है, शौचालय के बिना घर का निर्माण अधूरा है। स्वच्छता के इस लक्ष्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरा किया है। मंत्रालय के पास 1 करोड़ घर के निर्माण का खाका है। पिछले साल के 35 लाख अधूरे मकान भी बनाने हैं। मंत्रालय कुल मिलाकर साल 2019 तक 2 करोड़ घरों के साथ साथ शौचालय का निर्माण भी कराएगा। करीब 35 लाख घर इस साल पुराने जो आवास थे, जो पूरे नहीं थे, अपूर्ण थे, 18 लाख पिछले साल भी, तो लगभग 1.5 करोड़ घरों में भी साथ में शौचालय के साथ निर्माण उनका 2019 तक तो हम लोग करेंगे। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट से वेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने स्वच्छता को मनरेगा के साथ जोड़ दिया है। मनरेगा से साल 2015-16 में 5 लाख खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य था। सरकार ने 10 लाख तालाब का निर्माण किया है। रोजगार सृजन को तेज करने के लिए मनरेगा के साथ वर्मी कंपोस्ट पिट को भी जोड़ दिया गया है। वर्मी कंपोस्ट पिट के निर्माण से रोजगार के साथ कचरे से उर्वरक का निर्माण हो रहा है। वर्मी कंपोस्टिंग पिट्स के लिए या नैडप पिट को भी हम लोगों ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एडमिसिबल वर्क्स में, वो भी आता है, तो उसका भी हम लोगों ने कंपोस्ट पिट निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया है। उस कारण से भी क्या होगा कि स्वच्छता भी होगी और साथ साथ उसका एक आर्थिक लाभ भी होगा। स्वच्छता में रोजगार के सृजन से क्रांतिकारी बदलाव सामने आए हैं। कचरे के निष्पादन के साथ साथ नित्य नए अवसर इस अभियान को गति दिलाने के लिए काफी हैं। चंद्रशेखर के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, दिल्ली। कितना अच्छा होता अगर हर चीज प्रकृति के हिसाब से व्यवस्थित होती। कितना अच्छा होता कि जिस धरती को हम अपनी धरती कहते हैं उसका सम्मान भी कर लेते। ये धुएं अगर महकती धूप के होते तो कितने अच्छे होते। इन धाराओं को काले पानी की सजा न हुई होती तो क्या बात होती। ये पंछी अगर पेड़ पर होते तो कितने अच्छे होते, और ये पेड़ यहां होते तो कितने अच्छे होते। ये चिंगारियां अगर चूल्हे को आग देती तो क्या बात होती। ये लड़कपन के खेल अगर बागीचों में होते तो कितने अच्छे होते। ये धरती हमारी है, हम भी इस धरती के लिए होते तो कितने अच्छे होते। और आइए अब देखते हैं कि स्वच्छता को लेकर क्या कुछ संदेश दे रहे हैं क्रिकेटर इरफान पठान। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे सफाई कर्मचारी किन हालात में काम करते हैं? ये तो एक ऐसा काम है जिसमें ना तो कोई श्रेय मिलता है ना तो कोई शुक्रिया, बस मिलता है तो एक बड़ा सा कूड़े का ढेर। ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है जिसकी वजह से हम और हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ बने रहते हैं। आओ इन सफाई कर्मचारी का सम्मान करें और इनका दिल से शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच, सरस काम करो जो। थैंक यू सो मच। तो
चलिए इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DDNewsLive के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वच्छ भारत।